Hello my dear friends, welcome back to my channel. It is part 1 of chapter 12 sound, class 9th for Ntse students. Let's start. ये chapter के just notes हैं, तो इनमें पूरा chapter होगा but deeply नहीं होगा. हम main points यहाँ पर discuss करेंगे. तो हम पहले देखते हैं sound क्या है. It is a form of energy which travels in the form of wave. कहते जो साउंड है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है. ठीक है. एंड ये प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशंस के थ्रू. जहाँ पर भी वाइब्रेशंस होंगी वहाँ साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, जहाँ पर कॉम्प्रेशन भी होता है, रेयरफैक्शन भी होता है. अगर आपने चैप्टर को एक बार रीड किया हुआ है तो आपको कॉम्प्रेशन पता होगा, जहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ कॉम्प्रेशन कहते हैं, जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ रेयरफैक्शन कहते हैं. क्योंकि ये जस्ट नोट्स हैं तो हम इसमें मेन बातें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे. ओके. तो अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है. तो यहाँ पर पहला करेक्टरिस्टिक आता है वेवलेंथ. वेवलेंथ होता है, मान लो ये हमारे पास एक वेव गिवन है. ठीक है. तो अगर हम वेवलेंथ मेज़र कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर नेक्स्ट यहाँ तक, एक पूरी वेव कंप्लीट करने के बाद जो उसके बीच का डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे. आई होप आप समझ रहे हो. मान लो ये हमारे पास वेव्स हैं. ठीक है. तो यहाँ से लेकर पूरी एक वेव कंप्लीट करने तक, जो यहाँ तक है, मैंने बड़े बड़े डॉट्स लगा लिए हैं, तो यहाँ तक का जो ये डिफरेंस होगा ये वेवलेंथ कहलाएगा. अगर हम मेज़र करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कहेंगे. ठीक है. जो वेवलेंथ है उसे किस में मेज़र करेंगे, दैट इज़ मीटर. बिकॉज जो डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर में मेज़र किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, फिर है हमारे पास टाइम पीरियड, फिर है एम्पलीट्यूड, फिर है वेलोसिटी. तो इनको अच्छे से क्लियर करते हैं. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस. अगर हम देखें कि गिवन जो है वो कितने में ख़त्म हो रहा है. टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑक्सीलेशन को होने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है. जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी हम इसे कहेंगे. देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है. सो, एक सेकंड में जितनी भी ऑक्सीलेशन होने, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेकंड है, तो यहाँ दो ऑक्सीलेशन हो रही हैं. नो, यहाँ वन एंड हाफ हो रही हैं. तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो वन एंड हाफ ही मानी जाएगी. ठीक है जी. उसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड. तो ये हमारे पास फिर से डायग्राम आ गई है. तो यहाँ ये जो लाइन है ना, जो ये हमने बीच में लाइन लगाई है, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये यहाँ से लेकर नीचे तक जितनी भी लेंथ होगी वो हमारी एम्पलीट्यूड कहलाएगी. क्लियर. यहाँ पर एक वेलोसिटी दी गई है. सो वेलोसिटी हम सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है. इसका एक फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है. वो क्या है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी. वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी, ये हमें अच्छे से याद रखना है. बाकी का जो ये बचा पोर्शन है ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. बिकॉज मैं चाहती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और बोर ना हो. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वाइब्रेशंस के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है, लॉन्गिट्यूडल वेव में कॉम्प्रेशन भी होता है, रेयरफैक्शन भी होता है. इसके करेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बहुत अच्छे से समझे, एक फार्मूला भी लर्न किया, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. एंड एक बीच में गलती हुई थी वीडियो में, फ्रीक्वेंसी में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ा सा बीच में मैं रुक गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, वीडियो में नीचे कमेंट ज़रूर देना ताकि मुझे पता लगे आपको कैसी लगी, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.